जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जस्य श्री परमेश्वरस्य कृपयाहं मूकोपे वाचालतं पंगु पर्वत लंघने किल महां सामर्थ्यमेते क्षणात् जन्मान्धोऽप्यरविन्द सदृशदृशो द्वन्द्वं किमन्यत परं वन्दे चक्रधरं प्रसन्न वदनं भक्तस्य चिन्तामणि। पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलाचल नाथ श्री श्री जगन्नाथ आदि चतुर्धा मूर्तिंकर श्री चरणार बिंदर अनंत कोटि प्रणाम। सर्वादौ जय जगन्नाथ टीवीर दर्शक बंधु, आपण मानक श्रद्धा सम्मान प्रणाम पूर्वक श्रीक्षेत्र बड़दाण्ड पवित्र स्थान आपण मानक स्वागत करुच्छे। पद्मनाभ महाप्रभुंकर सर्वरहस्य पुरुषोत्तमस्य देवेन जानाति कृत मनुष्य, जो क्षेत्र को देवता माने जानी पारंती नाही से महान क्षेत्र पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र प्रभुंकर सिंहद्वार धर्मस्तंभ स्वरूप विराजमान करिछंती अरुण स्तंभ। जो सिंहद्वार भक्त टीए महाप्रभु को आसी दर्शन करदे कृतार्थ हुए। प्रात काल रु भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर मंगल आरती, कारण द्वार फिटा मंगल आरती अवकाश एवं प्रभुंकर नित्य बेश। आज पवित्र गुरुवार जेहेतु माघ मासर अपूर्व गुरुवार से जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे महाप्रभु को दर्शन करबा पाई भक्त मानकर चारियाड़े मध्य गोटे आनंदर लहरी अछि। भक्त मान महाप्रभु को दर्शन करिवे आनंद रे आछि। ठाकुरंकर दर्शनात मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद, दर्शन करिवा माने सकल तीर्थर फलश्रुति मिले। सेथिपाई कह जाइछि सकल तीर्थ तुचरणे बद्रिका जीविके कारणे। आमे द्वारिका जीवा वृंदावन जीवा बद्रिका जीवा विभिन्न प्रकार जो तीर्थ व्रत इत्यादि वर्ष भारत वर्ष मध्य अच्छा समस्त तीर्थ व्रत मध्य भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे ये सर्वतीर्थमयम क्षेत्रम सार्ध त्रिकोटि संख्यानि। जो स्थान रे श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पुरुषोत्तम क्षेत्र रे सार्ध त्रिकोटि संख्या साढ़े तीन कोटि तीर्थ को महाप्रभु अंगीकार करी प्रत्येक तीर्थ अच्छी। ये गंगा अच्छा गोदावरी अच्छा यमुना अच्छा प्रत्येक तीर्थ रही मथुरा रही वृंदावन रही बनारस काशी रही प्रत्येक तीर्थ ये स्थान अच्छा कारण आम जानपर नाई। महापुरुष मैंने जिते बड़े आसी विविध महापुरुष संत साधु साधक से मैंने प्रत्येक तीर्थ को ये दर्शन कर देखुं सिंहद्वार जदि च वर्तमान सिंहद्वार टिके खाली लगुच वास्तव में श्रीमंदिर अंतर प्रदेश मध्य भिड़ अच्छी कारण भितरे भिड़ रहिले एपटे भक्त मान को पर्याय क्रम जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन श्रीमंदिर प्रशासन श्रृंखलित विधि व्यवस्था मध्य भक्त मान को अंतर प्रदेश मध्य को छड़ा जाए था महाप्रभु को दर्शन करिवे। प्रातः काल ठाकुरंकर गोटे अपूर्व समय कहले अत्युक्ति हम ना, जो समय कि जगन्नाथ महाप्रभुंकर
विशेष भाव भक्त माने संध्या रे एवं सकाळ समय रे भक्त मानकर समागम सबठारु अधिक आइ थाए। एतो तो व्यतीत आजिकाली तो चारिआड़ी की सुविधा होगी कारण पूर्व काल अपेक्षा प्रत्येक मुहूर्त रे गाड़ी मटर ठारु आरंभ करी विविध प्रकार जानवाहन सुविधा होगी महाप्रभु को दर्शन करने प्रत्येक मुहूर्त श्रीक्षेत्र भीड़ जमुची। पूर्व काल अनेक भक्त मान चली करी आसुले माइली माइली धरी सख्य हजार माइल किए शहे माइल किए दुई माइल ये सब चली चल कर भक्त मान आसी महाप्रभु को दर्शन कर विभिन्न घाट थिला बट बाट पंथा घाट मानके मंगला क्षेत्र को जगिण अच्छा देवी अनरगला देवी मान चारिआड़े जो देवी मान कि प्रत्येक घाट मानकर स्वतंत्र भाव घाट घर भी थिला घाट रे प्रतिहारी मान स्वतंत्र से समय मध्य रहुतिले आज भौगोलिक स्थिति बदली जाइछि श्रीक्षेत्र पारंपरिक जो व्यवस्था पूर्व काल रे भौगोलिक स्थिति जहाँ थिला ता संपूर्ण परिवर्तन हो जाए सारी तथापि महाप्रभुंकर रीतिनीति लीला जाग्रत रही से काल भक्त टी आसवापी बड़ा दुसाध्य कारण दुर्गम पथ चारिआड़े होती आसबार व्यवस्था नाला तेणु भक्त मान विशेष भाव चलिकी आसती घाट घरे केते दिन रे कौ आसी सबू कहवापर स्वतंत्र भाव साधु संत सन्यासी मान जदि किए आसिले से मध्य गजपति महाराजा तत्कालीन समय रे शासन ये तो जदि च गजपति महाराजा परंपरा अक्षुण्ण रही तथापि आ प्रत्यक्ष श्रीमंदिर परिचालना नहीं जहाँकि सरकार तरफ परिचालना भार न्यस्त कराई महाप्रभु नीतिकांति चली जानती तेणु से समय कथा निश्चित भाव अनेक प्रकार पार्थक्यता भितर अच्छी भगवती आज आम महालक्ष्मी को ऊपर टी आलोचना भी करवा भगवती महालक्ष्मी जहाँ को कह जा कांत्या कांचन सन्निभाम हिमगिरी प्रखेई चतुर्भि गजेहि हस्तोत क्षिप्त हिरणमयामृत घटेई राशिच्यमानं श्रियं बिभ्राणं वरमुक्ति जुगम अभयं हस्तै किरीटो ज्वालां सौमाबद्ध नितंब बिंब ललितां श्री वंदे रविंद स्थिताम जी हूं मूलाधार शक्ति कांत्या कांचन सन्निभाम हिमगिरी भगवती जहां वर्ण हूं हिरण्य वर्ण सुवर्ण वर्ण बोली कह जाए से भगवती महालक्ष्मी आविर्भाव को जदि आम पर्यालोचना करवा ताले बड़ा विचित्र व्यवस्था भृगु नंदिनी भृगु ऋषि सी कन्या बोली पुराण मान वर्णित रही समुद्र मंथन समय रे देवासुर जितेबले समुद्र मंथन है मंदार पर्वत को खुआ दंड करी वासुकी नाग रजु स्वरूप भगवान स्वयं गोटे अवतार ग्रहण करने को पड़ा अभूतपूर्ण कश्यप अवतार महाप्रभु धारण करी समुद्र मंथन अनेक प्रकार दुर्मूल्य पदार्थ मध्य भगवती महालक्ष्मी आविर्भाव होता से वरुण नंदिनी भृगु नंदिनी ये भाव मध्य स्वतंत्र भाव होती कई कारण वरुण कन्या भगवती महालक्ष्मी जी कि नारायण को होती से स्वयं नारायण पत्नी भाव सारा संसार प्रपोजित होकर अच्छा आपण मैंने सिंहद्वार को देखिले ना सब स्थान भगवती अच्छी कारण कौटी रूपरे अच्छी एवं कौटी निर्लिप्त आकार किंतु प्रत्येक स्थान भगवती अच्छी भक्त टीए सिंहद्वार को आसी पहुँची गले भगवती महालक्ष्मी की आग दर्शन करे
कारण अर्ध निम्न देश में गुमुट मध्य पतित पानाम पतितोहम तमैव पापहार कम पावनम पुरुषम देही निश्चलाम भक्ति में विभो। भगवान पतित पावन नारायण कर दर्शन सहित अद्यादेवी महालक्ष्मी कर दर्शन ऊर्ध गुमुट प्रदेश रे प्रत्येक भक्त दर्शन कर तेणु लक्ष्मी नारायण कर दर्शन हो गले दर्शन पूर्ण हो जाए से सिंह द्वार अन्य नाम होती धर्म द्वार पूर्ण द्वार। जदि च महालक्ष्मी निम्न प्रदेश रे पूर्व काल दश अवतार मूर्ति थिले श्रीमंदिर से गुमुट जिते पुनः जीर्णोद्धार रिपेयरिंग कार्य होता से समय रे से मूर्तिर जिते भगन होगा परवर्त पर्यायर आगिना ही किंतु भावावेग सहित जड़ित निश्चित भाव आम अनुरोध करवा महाप्रभु से सिंहद्वार गुमुटर मध्य पुनर्बार से दश अवतार मूर्ति स्थानित हेले से भक्त माने जो माने श्रीमंदिर भितर को जाई पारंती नाही से माने एठु दर्शन करी महाप्रभु को फेरी थांती कारण सब भक्त महाप्रभु श्रीमंदिर को जाती आमर गोटे विधि व्यवस्था मध्य अच्छी जहाँकि केवल हिंदू मानकर श्रीमंदिर को जेहेतु प्रवेश भारत वर्षर प्रख्यात स्थान महाप्रभुंकर पुरुषोत्तम क्षेत्र से पृथ्वीर कोण अनुकोण रु भक्त मैंने आती प्रत्येक स्थान रु समस्ते जेहेतु श्रीमंदिर भितर को जापारती ना सिंहद्वार रु पतित पावन नारायण भगवती महालक्ष्मी जी ऊर्ध गुमट देश में विराजमान कर कृपार मुद्रे भक्त मान को अवलोकन कर प्रत्येक मुहूर्त एवं से ऊर्ध देश में दशावतार विग्रह मत्स्य कश्यप बराह नृसिंह बामन बलराम राम बौद्ध कलकी इत्यादि ये दशावतार जो श्री विग्रह मान भक्त मैंने दर्शन करुले जहाँ आज से ना आम निश्चित भाव अनुरोध करवा परवर्त पर्यायर ताकू पुणी स्थानित कर भक्त मान भावावेग एवं जो दर्शनार्थी अंतर प्रदेश को जापारती ना तर दर्शन पाई स्थानित तो करा आवश्यकता भी मध्य अच्छी जाओ भगवान पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारि द्वार चतुर्बाहु चतुर्मूर्ति चतुर्वेदम विवेकपात सबुठ चारि धर्म अर्थ काम मुख्य चारिड़े प्रभुंकर जाऊँ चतुर्वर गजा हार चरणे परिचार प्रभु चंचला जार आज्ञाकारी जहांकर चतुर्वर्ग देलावाला जी चरण परिचार चंचला जार आज्ञाकारी भगवती माँ आज्ञाकारी जहाँ को जहाँ से चाहिए निश्चित भाव से होंगे प्रदान कर सेतिपाई भगवती महालक्ष्मी श्रीक्षेत्र कारण ये क्षेत्र नाम श्री श्री कहले विभूति के बुझा जाए श्री कहले लक्ष्मी को बुझा जाए तेणु से आमर जहाँकि श्री क्षेत्र प्रत्येक मनुष्यर ना पूर्व श्री लागिकरी अच्छी कारण श्रीटा न लगिले भगवान भगवती कृपा रहा तेणु श्रीटी सदा बेल युक्त हुए जाऊ से लक्ष्मी पद्मा लया पद्मा कमला श्री हरिप्रिया इंदिरा लोकमाता माँ क्षीराब्धि तनया रमा इत्यादि अमरकोश अभिधान माँ नामकरण रही श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवती महालक्ष्मी कारण जी की श्री संप्रदायर आचार्य जिते बामानुजाचार्य श्रीक्षेत्र को आगमन करते से समय रे महालक्ष्मी मंदिर निर्माण होता ये महालक्ष्मी मंदिर मेंनेक आचार्य मानकर चित्र रही रामानुजाचार्य गोटे स्वतंत्र हो चित्र विग्रह रही विभिन्न आचार्य मैंने रही
महत्व बाणी प्रकाश करदीच महाप्रभु पाखे लक्ष्मी आराधना आमर लक्ष्मी नारायण उपासना वैदिक जुगर अच्छी तथापि श्रीमंदिर मध्य विभिन्न समय विभिन्न आचार्य मान भारत बर्षर ये पहुँची से तार संस्कार विविध समय करेणु महालक्ष्मी दर्शन महालक्ष्मी गोटे जहाँ कि गुरुवार पड़े माजेना पुणी एकांत नीति थाए आमर बेले बेले भक्त मान भावती महाप्रभु गोटे एकांत नीति कौन महालक्ष्मी एकांत एकांत अर्थात एक भिन्न न अंत जन व्यतीत आउ कई जो स्थान नथिबे कारण लक्ष्मी नारायण से कहते प्रत्येक संसार व्यवस्था अनुसार श्री जगन्नाथ महाप्रभु ये मनुष्य लीला करती कहुए नीलाचल धाम रे महाप्रभु श्रीस मानुष लीला मनुष्य लीला करेतु प्रभु जगन्नाथ होती धाम रे मनुष्य लीला करती से प्रत्येक प्रकार तीर्थ व्रत ठारू आरंभ करी मानवीय लीला मध्य महाप्रभु आचरित होता है भगवती महालक्ष्मी जेतु ये गृहर मालिकाणी भगवान जगन्नाथ महाप्रभु श्रीमंदिर कारण तांकर बिना कृपा ना कि पार्बना से आपण मैंने देखिए श्रीमंदिर को जी जिते मंदिर अच्छी जहाँ भिड़ न थो महालक्ष्मी पाखे लाइन लगे तार कथा कौन ना समस्त किसी किसी महालक्ष्मी पाखे कार्य तेणु महालक्ष्मी कृपा ना संसार बचवा दुसाध्य तेणु सदा सर्वदा शिव पार्वती लक्ष्मी नारायण राम सीता एवं होती राधा कृष्ण उपासना जुग्म उपासना भारतीय संस्कृति रे प्रधान स्थान अधिकार करती महाप्रभु पाखरे श्रीदेवी थिले मध्य लक्ष्मी मंदिर स्वतंत्र रही श्रीमंदिर परंपरा अनुसार गोटे एकांत नीति होता है से नीति कहीं हुए जे भली भाव आमर जथा देवे तथा देहे मनुष्य मानकर जे भली भाव घर कौन आवश्यकता अच्छी केत को बंधु बांधव को कौन दिया जीवो अनेक समय विभिन्न स्थान रे अनेक बंधु बांधव मांगलिक कार्य हुए से समय किसी ना कि दबा नवा था आपण माने समस्त ये सब अंगांगी भाव जड़ित जानती ठीक होती जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर मध्य प्रत्येक कार्य गुड़िक जथा देवे तथा देहे न्याय रे गुरुवार दिन महाप्रभु गोटे एकांत नीति अनुष्ठित होता है से आज रात्र काल अथब महाप्रभु संध्या धूप पर एकांत नीति टी अनुष्ठित हम से एकांत नीति रे लक्ष्मी नारायण संसार कहते को भक्त कौन कौन कर पहुँचे क्या अभय प्रदान करे एवं श्रीमंदिर भलमंद ये सब गुड़िकमती जमी आम घर भितर आमर स्वामी स्त्री भितर स्वतंत्र भाव हूँ विभिन्न प्रकार साधारण थाए क्या कौन दिजो कौन नहीं अंतरंगर व्यवस्था अंतरंगर कथा ये सब हूँ कह जाए एकांतर व्यवस्था तेणु सीठी आज कहीं न था भाव महाप्रभु श्रीमंदिर एकांत नीति अच्छी संध्या धूप पर स्वतंत्र भाव पूर्व जिते बड़े महाप्रभु बेस होता है सिंगारी मान महाप्रभु बेस कर दिखंड आज्ञामाला लगी हुए कारण जो आज्ञामाला लगे निर्दिष्ट भाव से ही आज्ञामाला पाइले श्री विग्रह मान विभिन्न जात्रा करानी जात्रा रे से ही प्रथा अनुसार श्रीमंदिर आज्ञामाला व्यवस्था अच्छी गोटे माल जहाँ कि दि जाए तुलसी मिशा माल मदन मोहन उद्देश्य जहाँ कि विष्णु एवं भगवती महालक्ष्मी उद्देश्य गोटे साधा माल ये भाव दक्षिण भुजरे होती विष्णु माल मदन मोहन उद्देश्य एवं महालक्ष्मी होती बाम हस्तरे वामांगी बोली कह जाए तेणु ये हूँ पर्व लगे
संध्याधूप बढ़िबो परवर्ती पर्यायर स्वतंत्र भाव सिंहासन को विजय करी मदन मोहन एवं जेतु श्रीदेवी थांती मदन मोहन को विजय करा जाए एवं तापरे आज्ञामाल प्राप्ति हेला परे स्वतंत्र भाव घंट छता काली पटुआर सहित एकांत नीतिपाई मदन मोहन सहित भगवती महालक्ष्मी विराजमान करी पालिंग रे श्रीमंदिर अंतर प्रदेश मध्य निशातल गोटे स्थान अच्छी निशातल पश्चिम भाग में भगवान नृसिंह उद्यत विद्युत नाम झट जटी झटा झटनादम सोटानम अन्यम द्रष्ट द्रष्टा रु डम्बरु डम्बरु ढ्याम झम 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 झंक झंका झमित झम झमा झंक झंकार घोरम का यदम काल कालम किलित किलिकिला श्री चक्रस्तु नृसिंह भगवान नृसिंह नारायण जहाँ को स्मरण कले अनेक प्रकार दुष्कृत नाश हुए से निशा नृसिंह सम्मुख भाग तर ना हूँ निशातल स्वतंत्र भाव पटुआर बिड़ुआ सेवक हूँ छामु देहुड़ी धरी घंटुआ घंट छता काली पारंपरिक महाप्रभुंकर श्रीमंदिर विधि विधान अनुसार ये कार्य जितेबले हुए एकांत नीति पाई भगवती एवं जी कि मदन मोहन जा स्वतंत्र भाव से होती हस्तरे धरी सरस्वती मंदिर दे सुंदर भाव महालक्ष्मी जो मंदिर से गोटे पूर्वर प्रस्तुति होता है पलंग प्रस्तुति होता है सीठी जा पहुँचापर चंदन लग हुए कारण चंदन हूँ गोटे भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्रीमंदिर जो चंदन को नहीं जात्रा अच्छी चंदन को नहीं सर्वांग अच्छी तेणु चंदन से महत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी बसती सर्वदा जहाँ शरीर में चंदन गोटे एभली पदार्थ से वृक्ष लक्ष्मी बास करती चंदन धारण कले लक्ष्मी कृपा हुए से लक्ष्मी बसती सर्वदा बोली वाक्य करा जाए तेणु से चंदन सुंदर भाव जी कि महानायक साड़ी बंधे भितरछू सेवक से महा भगवती महालक्ष्मी को चंदन लागी करी थांती अनेक समय रे श्री मंदिर रे आपण माने देखिबे प्रभुंकर प्रत्येक दिन तो चंदन लागी अछि चंदन लागी समय चिंता चिंतामणि कि जते समय श्री मंदिर रे आपण देखिबे दिन राति मध्य रे चंदन लागी समय टा होचंदी सबुठारु देवता मानकर आगमन रो समय एवं भगवान बड़ आनंदित थांती तेणु प्रभु को चंदन लागी समय रे अनेक भक्त माने आसीतांती श्रीक्षेत्र को जी जहाँ कहार कौन रही आम बा जानवा केमी तेणु प्रभुंकर सम्मुख भाग में पहुँची अनेक भक्त माने तांकर दुख सुख ठाकुर को जनई थांती एवं महाप्रभुंकर कृपारु मध्य तांकर ठाकुर मनोबांछा पूर्ण करती यहाँ मध्य होता है कारण आम मैंने अनुभव करूँ अनेक स्थान को पूरी बाहर को जिते जाऊ से दूर दूरांत को गले भारत वर्षर विभिन्न स्थान को जवा समय अनेक भक्त मैंने कारण सदा बेले तो समस्त आसी पारे अनेक भक्त सीठ कही था आज्ञा टी आम कथा कहीदेवे आम भी ताको मन पक पक आसाक पड़े कारण वाक्यटा हूँ भगवान शब्द हूँ ब्रह्म कारण शब्दा है ब्रह्म यही जन्मेश्वास समुद्भूतम शब्द ब्रह्म त्रिदावत प्रत्येक शब्द जितेबले बाहर ताहा ऊर्ध मार्ग को ब्रह्म लोक पर्यंत तार होती गति एवं पुनर्बार आमरी पाखे पहुँचे से शब्दर अपचय घटिले केवल निजर ही क्षति करे यह हूँ धर्मशास्त्र कथा से अनेक समय जो भक्त मैंने जहाँ कही था बेले बेले मन पक महाप्रभु दरबार में आसी कह पड़े एवं सेमान ठाकुर कार्य मन कर दिखती आम किसी जानपरना आम कार्य आम कहीदेल तो यही हूँ श्रीमंदिर संस्कृति श्रीमंदिर व्यवस्था आपण मैंने देखिए एवं तो हूँ पूर्व काल तो गोटे गाड़ी जाऊला पूरी आपण मैंने पुराणा लोक जानी जो जहाँकि गोटे चपला बस 13 जिला थाए एवं तीसटा जिला हो गला
प्रत्येक जिला को महाप्रभु श्रीमंदिर तरफ बयस था चपला बयस जाए हलदिया बयस से बयस गले से चका को लोक मुंडिया मारती से बयस को धरिकी जगन्नाथ बोली भाविकी अनेक लोक महाप्रभु क्षेत्र को आसुची बार्ता दिखती कार्य सिद्धि हो जाए तेणु यही हूँ पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ संस्कृति प्रत्येक हूँ जहाँकि धर्मीय व्यवस्था मध्य आबद्ध महाप्रभुंर पुरुषोत्तमाक्ष महत क्षेत्र परम पावनम जत्रास्ते दारव तनुहु श्री समानुष लीलया जो क्षेत्र में संपूर्ण भाव भावावेग सहित विशेष भाव ओडिया जातिर भावावेग सहित जड़ित जगन्नाथ मंदिर से प्रत्येक ओडिया लोक भारत वर्ष पृथ्वीर कोण अनुकोण तो प्रत्येक भक्त मानी जगन्नाथ महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ देवता जेहेतु उत्कल प्रदेश भगवान अच्छा ओडियार घरे घरे प्राणर देवता भाव पुरुषोत्तम जगन्नाथ महाप्रभु आराधित तो। एवं जी जो थार जो प्रकार भाव महाप्रभु को जहाँ जन दिए महाप्रभु तार मनवांछा पूर्ण करती यह निश्चित कथा से भाव जो एकांत नीति जगत मंगल उद्देश्य महाप्रभु एकांत नीति प्रति गुरुवार होता वर्षक मध्य अनेक गुरुवार होना कृष्ण जन्म ठार कंसवध पर्यंत एवं दशहरा समय महाप्रभु गुंडीचा यात्रा समय चंदन यात्रा एतत व्यतीत आहरी मध्य केतेक समय रही दमनक चतुर्दशी ये भाव केतेक समय एकांत नीति हो पारे ना श्री जगन्नाथ महाप्रभु पुरुषोत्तम क्षेत्र रे प्रत्येक समय रे महालक्ष्मी गोटे स्वतंत्र स्थान अच्छी कारण से नारायणी महाप्रभु को ना महानारायण कह जाए भगवती होती नारायणी भाव में उपासित से प्रत्येक भक्तर अंतरात्मा माँ स्तुति ध्यान थाए एकांत नीति से सामंत पूजा पंडा स्वतंत्र भाव में भगवती एवं जी कि मदन मोहन उपवेशन करिबा परे भोग थाए कोरा भोग स्वतंत्र भाव से हुए ता परवर्ती पर्यायर होठा नीतिकांति बढ़ेला परे एकांत नीति बढ़िले भगवती एवं मदन मोहन आसी था सात पाच दे नीति बढ़ई पुनर्बार पुणी श्रीमंदिर को प्रत्यावर्तन करती तेणु ये हूँ श्रीमंदिर विधि व्यवस्था प्रत्येक जुगर नीति श्रीराम आसी तृतया जुगरे भगवान श्रीराम अनेक नीतिकांति राम जन्म ठार स्वतंत्र भाव जहाँकि रामाभिषेक पर्यंत नीतिकांति है से समय स्वतंत्र भाव में महाप्रभु एकांत नीति हुए ना कारण यह सब जन्म लीला गुड़िक चली थाए तेणु जगन्नाथ महाप्रभुंर पुरुषोत्तम क्षेत्र ये महान क्षेत्र जो क्षेत्र की प्रत्येक समय रे भक्तर भावावेग सहित जड़ित कारण सब प्रकार भक्त श्रीक्षेत्र को आसती नवे जाचे राज्यम नच कनक माणिक्य विभवम न जाचे हम रम्याम निखिल जन काम्याम वरवधुम सदा काले काले प्रमथ पतिनाम गीत चलितो श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे भगवान होती नयन पथगामी जहाँ को केवल प्रत्येक मुहूर्त कारण भगवान दूर नहांती भगवान पाखरे था एथिपाई कह जाए बहु दूरे प्रभु नहांती दृष्टि अग्रे निर्मल भक्ति होइले पासे पासे थांती भगवान बहुत दूर नहांती मश्चिता मदगत प्राण बोधयंतम परस्परम कथयंतम च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च आमर मस्जिदा मदगत प्राण आमर प्राणर पुरुषोत्तम जगन्नाथ महाप्रभु जेते बेले रे आमु
ତାଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାବିବା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କରିବା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆରାଧନା କରିବା, ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ କୃପା କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରରେ ଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଆସିଯାଏ, ସବୁ ଆନନ୍ଦମୟ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଚାଲିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ଯତ କରୋଷି ଯତ ସ୍ନାସି ଯତ ଜିହୋଚି ଦଦାସି ଯତ ତତ ପଶ୍ୟସି କୌନ୍ତେୟ ତତ କୁରୁଷ୍ୱ ମଦର୍ପଣମ୍। ଯାହା ହେଉଛି ମଣିମା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ କାଳରୁ ହେଇଯାଇଛି ତା ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ କେତେ ଭଲ ହୋଇଛି କେତେ ମନ୍ଦ ହୋଇଛି ସେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଆପଣ ଆପଣ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ମନ୍ଦ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଇଯିବ ହେ ମଣିମା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଯତ ଜିହୋସି ଯଦା ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିବନି, ସେ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ଲୋକ କ'ଣ କହିବ। ତେଣୁ ଯାହା ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହାରେ, ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣାରବିନ୍ଦରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି ତାହା ଯଦି ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାହେଲେ ଜଳ ପ୍ରମାଣମ କୁମୁଦସ୍ୟନାଳମ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରମାଣ ମୁଖବାସନଞ୍ଚ ପ୍ରଭୁ କୁଳ ପ୍ରମାଣମ ବିନୟ ଉପଚାରମ ତୃଣାନି ଭୂମି କଥୟନ୍ତ ସାରମ। ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଗଲା ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହୁଏ, କାରଣ ସେ କୃପାର ସମୁଦ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତିର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ, କେଉଁଠି କିଏ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରୁଛି, ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ନାନା ପ୍ରକାରର ନାମ ଅଛି, ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ସର୍ବ ଖଲିଲ ଇଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ, ସେ ଅନାଦି କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କାହାକୁ କେଉଁଠି ରକ୍ଷା କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଭକ୍ତ ଟିକେ ପାଇବ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଟିକେ କହିବ, କାରଣ ଏ ସଂସାର ବଡ଼ ଦୁଃଖ କହିଲା। ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର ଏହି ଅନିତ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରଭୁ ପାପ ପଙ୍କେ ଗୋଢ଼ା ସଦା ନାହିଁଟି ନିସ୍ତାର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବାପା ପୁଅକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମଣିଷ କରେ, ମା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରେ, ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁଣି ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସମୟ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ କହିଲେ, କହିଲେ ଇଏ କଥାଟା ହେଉଛି କ'ଣ କି, ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର ଏହି ଅନିତ୍ୟ ଶରୀର ଆଉ ପାପ ପଙ୍କେ ଗଢ଼ା ସଦା ନାହିଁଟି ନିସ୍ତାର। ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ଗତିଦାତା ସାରା ସଂସାରରେ ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଭଜୁଛି ଚେତା ଚୈତନ୍ୟରେ। ହେ ଦେବାଧି ଦେବରାଜ ମଣିମା, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା। ଯାହା ହଉ ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ସିଧା ପ୍ରସାରଣର ଏ ଧାରାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ମୋର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ
राजेश कुमार महापात्र से ये कार्यक्रम को आग को नेबे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सही स्थाने अमार परम।